दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम आपसे बात करने वाले हैं धर्मेंद्र यादव के बारे में। धर्मेंद्र यादव का जन्म सेफई में 3 फरवरी 1979 को मुलायम सिंह के परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम अभयराम यादव और माता का नाम जय देवी था। अभयराम यादव मुलायम सिंह के भाई हैं। धर्मेंद्र यादव की 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई सेफई में ही हुई। दोस्तों इसके बाद शिक्षा के लिए वह इलाहाबाद चले गए। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक किया है। उन्होंने LLB की भी डिग्री प्राप्त की है। उन्होंने यह डिग्री और मैनपुरी से लोकसभा चुनाव की जीत एक साथ वर्ष 2004 में पाई। अक्टूबर 2012 में धर्मेंद्र ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में संबोधन दिया था। दोस्तों धर्मेंद्र यादव का राजनीतिक से छात्र जीवन से ही नाता है। इलाहाबाद में पढ़ाई के दौरान समाजवादी जनेश्वर मिश्र के सानिध्य में उन्होंने छात्र राजनीति की। इलाहाबाद में सपा का परचम लहराने का श्रेय जनेश्वर मिश्र को जाता है, तो उनके सहायक के तौर पर धर्मेंद्र का भी नाम लिया जाता है। जब धर्मेंद्र MA की पढ़ाई पूरी करने वाले थे तभी 2003 में मुलायम सिंह यादव ने उन्हें सेफई बुला लिया। तब धर्मेंद्र के चचेरे भाई व सेफई ब्लॉक प्रमुख रणवीर सिंह का हार्ट अटैक से अचानक मौत हो गई थी। उस समय स्थानीय राजनीति को संभालने का दायित्व मुलायम सिंह यादव ने धर्मेंद्र को दिया। दोस्तों उस समय सेफई को संभालने वाला धर्मेंद्र की टक्कर का कोई नहीं था। वह 2003 में सेफई ब्लॉक प्रमुख के पद पर निर्वाचित हुए। तब मुलायम सिंह यादव ने मैनपुरी लोकसभा सीट के सांसद हुआ करते थे। दोस्तों साल 2004 में CM रहते हुए मुलायम सिंह यादव ने मैनपुरी से चुनाव लड़कर जीत हासिल की और बाद में उन्होंने यह सीट अपने भतीजे धर्मेंद्र यादव के लिए खाली कर दी। मुलायम के भतीजे धर्मेंद्र यादव ने 25 साल की उम्र में ही सपा के गढ़ मैनपुरी से चुनाव लड़कर रिकॉर्ड वोटों से जीत हासिल की। दोस्तों धर्मेंद्र यादव ने 14वीं लोकसभा में सबसे कम उम्र के सांसद बनने का रिकॉर्ड बनाया था। इसके बाद धर्मेंद्र यादव ने 15वीं लोकसभा में चुनाव में बदायूं से चुनाव लड़ा और विजयी हुए। वर्तमान में वह बदायूं सीट के सांसद हैं। दोस्तों धर्मेंद्र यादव वर्ष 2005 से 2007 तक UP के कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन रहे। माफिया डॉन DP यादव के राजनीतिक करियर को विराम लगाने का श्रेय भी धर्मेंद्र यादव को ही जाता है। 2004 में मैनपुरी से लोकसभा उपचुनाव जीतने वाले धर्मेंद्र यादव महज 25 वर्ष की आयु में ही सांसद बन गए थे। धर्मेंद्र इससे पहले 2003 में सेफई ब्लॉक प्रमुख पद के लिए निर्वाचित हुए थे। 13 नवंबर 2002 को रणवीर सिंह की मृत्यु के बाद यह सीट खाली हुई थी। रणवीर सिंह मुलायम सिंह के भाई रतन सिंह के पुत्र थे। 2004 में धर्मेंद्र के सांसद बनने के बाद मुलायम के राजनीतिक सहयोगी नत्थू सिंह यादव के पुत्र 32 वर्षीय अरविंद यादव को सेफई ब्लॉक प्रमुख बनाया गया था। दोस्तों तो ये थी बदायूं से सांसद धर्मेंद्र यादव के बारे में कुछ जानकारी। अगर आपके पास कोई सुझाव या सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और अगर आपको ये बायोग्राफी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।